हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नंदनी आज आपके लिए लाई हूँ बिग साइज़ बैकपैक। उसके लिए हमें सामान चाहिए 18 बाई 16 के 2 पीस। इस तरह से ये देखिए, ये 18 बाई 16 के 2 पीस हैं मेरे पास। और इसके बाद हमें चाहिए 16 बाई 6 का 1 पीस। ये है 16 बाई 6 का 1 पीस, ये बॉटम बनाने के काम आएगा। इसके बाद हमारे पास है 6 बाई 26 इंच का 1 पीस। ये है 26 बाई 6 का 1 पीस, जो हमारे बैग का ओपन करने का पीस होगा। उसके साथ हमें चाहिए 9 बाई 6 के 2 पीस। ये हमारे साइड में लगे हैं 9 बाई 6 के 2 पीस। और इसके बाद है 9 बाई 8 का 1 पीस। यह है हमारा 9 बाई 8 का 1 पीस, जो हमारे फ्रंट पॉकेट बनेगी। उसके बाद है 6 बाई 7 के 2 पीस। ये प्लेन क्लॉथ में होंगे, जो हमारी साइड में पॉकेट का काम लगेंगे। ये प्लेन कपड़े में मैंने इसमें बना दिया है और जिप लगाई है प्लेन कपड़े में ही। ये पूरा 7 इंच है, ये 6 इंच है, और 5 इंच रख के यहाँ पे कट मार के और जिप लगाई है। तो इस तरह की 2 पॉकेट मैंने साइड में ये तैयार की है। ये ऊपर जो आप जिप देख रहे हैं, ये ऊपर के साइड में आएगा। और इसके साथ हम बाद में ये बॉटम, ये वाला पीस जो है जोड़ देंगे। तो ये हमारा पूरा बैक के साइड का वॉल हो जाएगा। इसके बाद हमें चाहिए 5 बाई 3 2 पीस प्लेन, जो इस तरह से है। ये जो मैंने फ्रंट पॉकेट बनाई थी, तो ये 5 इंच है और इसकी ये जो विड्थ है, ये 3 इंच है, 3 इंच है। और इसके बाद ये 2 इंच का है इसमें, क्योंकि यहाँ पर वन एक जिप लग गई है, तो ये 3 इंच इसने कवर कर लिया है। तो ये 5 बाई 3 के 2 पीस हमें चाहिए होंगे। और इसके बाद है 14 बाई 2 इंच का 1 पीस। ये जो आप देख रहे हैं, ये पूरी इसकी जो लंबाई है, यहाँ पूरी जिप जो 14 इंच की जिप लगी है, उसके साथ 14 इंच का ये पीस लगा है। और इसकी जो विड्थ है, ये 2 इंच है। तो इसको भी मैंने इस तरह से कंप्लीट बना लिया है। इस तरह से आप भी बना लें। ये 5 इंच में, पहले 2 इंच में ये जिप जोड़ें 14 इंच की, और ये 14 इंच का कपड़ा रहेगा। और फिर जब ये पूरी लेंथ इसकी जो 3 इंच हो जाएगी, तो इस 5 इंच में इसको जोड़ करके और इस पॉकेट में बनाना है। और ये पॉकेट की कटिंग कैसे होगी, मैं अभी आपको बता देती हूँ। इसके बाद हमें चाहिए 14 इंच बाई 3 बैक सपोर्ट बेल्ट, वो इस तरह से बनेगी। और इसमें मैंने मोटा वाला फाइबर पीस डाला हुआ है, मैं भी आपको दिखा देती हूँ। सॉरी, ये थोड़ा दूर गिर गया था, इसलिए उठाने गई थी। तो ये इस तरह से, ये पैकिंग का मोटा शीट आता है, बहुत हार्ड नहीं होता, बहुत नरम नहीं होता, और ये फटता नहीं है जल्दी। तो इसको हमने इसके अंदर डाला है। ये पूरा 14 इंच का है और इसकी चौड़ाई जो है 3 इंच की है। इस पे दोनों साइड से मेन कपड़ा लगा के और ऊपर से ये पाइपिंग लगाई गई है। और इसका शेप जो है नीचे से कुछ इस तरह से बनाया गया है। और उसके बाद कवर करने के बाद इसमें पाइपिंग लगाई गई है। तो 2 बेल्ट हमें ये चाहिए होंगी 14 बाई 3 इंच की। ये इसकी पूरी लेंथ 14 है, ये 3 इंच है, फिर इसमें पाइपिंग लगाई गई है। एक पीस ये हो गया। इसके बाद हमें चाहिए जिप 26 इंच की 1 पीस। जिप जो है 26 की हमने इसमें लगाई है, जो बैक की वॉल साइड बनाई है ये
जिसमें ये हमने पॉकेट लगाई थी किनारे, ये 26 इंच का पूरा जिप लगी हुई है। फिर इसके बाद हमें चाहिए जिप 14 इंच की, ये जिप 14 इंच की है जो फ्रंट पॉकेट में लगाई थी। फिर हमें चाहिए जिप 6 इंच की जो हमने ये जो साइड वॉल में प्लेन कपड़े में जो जिप लगाई थी, ये 6 इंच की दो पीस हैं, ये दो पॉकेट बनी है इस तरह से। तो जिप यहाँ लग गई है। रनर पूरे 8 पीस चाहिए होंगे। बकल हमें दो सेट चाहिए होंगे। बकल जो हमने इसमें लगाए हैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए ये बकल लगे हुए हैं इस तरह से। ये मैंने इसको तैयार कर लिया है। और इसके बाद हमें चाहिए बेल्ट 25 इंच की, ये जो इसमें बकल के साथ बेल्ट लगाई गई है ये 25 इंच की है। और फिर 6 इंच की 3 पीस हमें चाहिए होंगे। और जो 6 इंच की जो बेल्ट का पीस है वो हमने यहाँ पर लगाया हुआ है इसके साथ बकल को इस बेल्ट में जोड़ने के लिए। ये 25 इंच की अलग बेल्ट लगेगी बकल में, और ये 6 इंच की दो पीस इसमें लग गई हैं, एक इसमें एक इसमें। इसके अलावा एक एक्स्ट्रा में हमें 6 इंच का पीस चाहिए होगा बेल्ट का, जो हम बाद में बैग में जोड़ेंगे। तो अब देखना है कि इसकी कटिंग कैसे होगी। सारे पीस हमारे सामने आ गए हैं और अब हम आपको इसकी कटिंग बताते हैं कि कटिंग कैसे करनी है। तो इसके लिए अब हम ये लेंगे, ये जो हमारा मेन पीस है यहाँ पर जो बैग का जो पूरी बॉडी बनेगी, जिससे ये आप देख रहे हैं यहाँ पे ये गोल कटिंग है, इसकी कटिंग मैं आपको बताती हूँ कि ये हमारा ध्यान से देखिएगा, ये ये 16 इंच का पीस है और ये हमारा 18 इंच का पीस है। तो इसमें जो 18 इंच का एरिया है यहाँ से हमें 5 इंच और यहाँ से 5 इंच पे निशान लगाना है। फिर इस कॉर्नर से 3 इंच पर निशान लगेगा, सेम इधर से इधर 5 इंच 5 इंच, और इधर अंदर की तरफ डाउन करते हुए कॉर्नर से 3 इंच का निशान लगा के फिर इसको हल्का सा यहाँ पे ऐसे घुमा देना है, तो ये हमारे बैग का पूरा शेप निकल आएगा। इस तरह से बैग का शेप बनाना है। और ये हमारी पॉकेट का शेप है, पॉकेट का शेप भी आप इसी तरह से करीब 1 इंच डाउन करते हुए इधर से 3 इंच, इधर से ये 3 इंच पर, इधर ये 3 इंच पर, इधर 3 इंच पर, और इधर एक साइड में निशान लगा करके 1 इंच डाउन करते हुए ऐसे निशान लगाना है, तो ये पॉकेट का शेप निकल आएगा और बाकी सारी चीज़ें उसी तरह रहेंगी। फिर हमारा ये लास्ट में पीस है ये वाला बैक सपोर्ट बेल्ट, जिसको मैंने नाम दिया है ये, इसको अपने हिसाब से हल्का सा केवल बहुत हाफ इंच पर इसको निशान रख करके और इसको कट कर देना है और ये गोल हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बैग में, ये हमारा बैग है इस तरह से, ये जब हम बैग बनाएंगे इस तरह से ये कटिंग है, तो सारे सेंटर इसके हमें निकाल लेने हैं, इसके इसके जो सेंटर हैं वो हमें निकाल लेने हैं। और जो हमारी ये वाली पट्टी है 26 इंच बाई 6 की, ये हमारी 26 इंच की जो पट्टी है इसमें बीच में जिप लगानी है। अभी मैं आपको ऐसे बता रही हूँ, फिर सिल के भी बताऊँगी, यहाँ पे जिप लगानी है। इसके बाद 9 इंच बाई 6 की एक जो दो पीस हैं उनको जोड़ना है हमें, और उसमें हमें जो पॉकेट वाला कपड़ा है उसको जोड़ना है, 6x7 वाला पीस, उसमें प्लेन कपड़े में जिप लगा करके और उसकी दोनों साइड में पॉकेट लगानी है। इसके बाद 16x6 का जो एक पीस है उसको हम जोड़ेंगे और इसको इसमें मिला देंगे, तो ये पूरा बैक का साइड वॉल तैयार हो जाएगा। तो चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं। ये था हमारा मेजरमेंट, आप ध्यान से देख लें इस तरह से, और इसके बाद हम इसको बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अब हम जो हमारा ये 26 वाला पीस है ये हमने
9x6 का पीस लिया और इसमें ये 6x7 का पीस प्लेन पीस लगा के पॉकेट तैयार की। अब इसका हम ये बॉटम जोड़ देंगे। इसके साथ ही मैं एक चीज बताना भूल गई, इसके साथ ही हमें कोई मैचिंग पाइपिंग भी चाहिए होगी। जितने भी जोड़ हैं, क्योंकि ये बिग साइज का बैग बनेगा, इसलिए जितने भी जोड़ हैं उनमें मजबूती से डबल सिलाई भी करनी है, क्योंकि जितना बड़ा बैग होता है सामान उतना ज़्यादा भरा जाता है। तो जो बॉटम की जो सिलाई है, खासतौर पे चाहे आप बेल्ट लगाएं चाहे साइड वॉल लगाएं, सब पे डबल मशीन जरूर होनी चाहिए। तो ये हमारी साइड वॉल तैयार हो गई जी। ये हमारा बॉटम आ जाएगा, ये इस तरह से ये बॉटम आएगा और ये जो पॉकेट है ये साइड में आ जाएंगी। इसमें हम जरूरी सामान अपना रख सकते हैं और जो ये ऊपर जो जिप वाला हिस्सा आप देख रहे हैं ये हमारा ऊपर आ जाएगा। अब ये साइड वॉल हमारी तैयार हो गई है। अब हमें एक पीस लेना है कोई भी। इसमें सबसे पहले ये जो हमारे पास 6 इंच का जो पीस था इसको हम यहाँ पर जोड़ देंगे। ये हमने सेंटर यहाँ पे निकाला हुआ है, इसको इस तरह से एक के ऊपर एक नहीं चढ़ाना है, इसको बराबर से रख के यहाँ पे मशीन चला देनी है। इस पर भी जोड़ने से जोड़ते समय इसमें डबल मशीन चला दें। ये देखिए, ये आपने देखा होगा कि बैग में एक इस तरह से लूप बना होता है, जब बैग खाली होता है या कहीं टांगना होता है तो इसको हम आसानी से टांग सकते हैं। ये पीस हमारा रेडी हो गया। साइड वॉल ये बैक साइड था हमारा, तो बैक साइड में अब इसमें हम ये बेल्ट भी लगा देते हैं और इसको ये जो पीस हमने सेंटर में निकाला था इसके जस्ट बगल में इसको सीधा रखेंगे इस तरह से, है ना। इसको टेढ़ा नहीं रखना है, इसको सीधा रखना है और इसके साथ ही जो बैक की जो गोलाई कट की थी इसके साथ ही इसी तरह से इसको हम गोलाई में सिल देंगे। ये सेंटर इसीलिए निकाला जाता है कि इसके लगने के बाद जिस पे बसती है ये वहाँ पर आए और ये कंधे पर सही आ जाएगी। अब इसको हम यहाँ पर सिल देंगे। ये दोनों बेल्ट रखेंगे इस तरह से और इस पर भी हमें मशीन चलानी होगी। अब इसमें मोटी फोम है तो इसमें बहुत आराम से मशीन चलानी है और करीब 2-3 बार मशीन हम चलाएंगे जिससे कि वो कपड़े के साथ मजबूती से लग जाए। लग जाएगा। इसकी अभी हम कटिंग नहीं करेंगे, जो बाहर हिस्सा निकला हुआ है उसकी कटिंग नहीं करेंगे। एक बार और मशीन चला देते हैं ताकि ये मजबूती से सिल जाए। ये हो गया। अब इसको हम बैग के शेप में दे देते हैं।
इसमें डबल मशीन यहाँ पर और इस लूप में ज़रूरी इसलिए है क्योंकि सारा वजन हमारा इसी बेल्ट पर ही जाना है। तो ये हमारा तैयार हो गया। अब ये जो हमारी बेल्ट है इसको हम यहाँ से 2 इंच पर छोड़ते हुए यहाँ से यहाँ 2 इंच निशान लगा लेते हैं और इसको जोड़ देते हैं। इसको इस तरह से सीधा ही रखना है और जोड़ देना है। इस पर भी 2-3 मशीन चलाएंगे। ध्यान रहे बेल्ट आपकी सीधी जुड़ी होनी चाहिए, जिस इसके साथ एकदम सीधी आनी चाहिए यहाँ पर। अब ये यहाँ पर जुड़ गई है, ये देखिए यहाँ से आप इसको हम छोटा बड़ा कर सकते हैं। इसको इस तरह से बाहर कर देंगे, ये अलग हो गया पीस और इसको अब हम इस तरह से, और ये जो बेल्ट है जब इसमें डालेंगे तो यहाँ पर भी मोड़ करके हमें सिलाई करनी है ताकि इस बक्कल से ये बाहर ना निकलने पाए। ये देखिए ये छोटा हो गया, जो भी साइज में लेना चाहें बैग उस हिसाब से छोटा बड़ा हो सकता है। इसी तरह से दूसरी बेल्ट भी लगा देंगे। दूसरी बेल्ट कहाँ गई, ये है, इसको भी पहले हम छोटा कर लेते हैं इस तरह से। और बैग का साइज क्या है उस हिसाब से हमेशा बक्कल लगाएं कि कितना वजन तक का आप उसमें सामान रखना चाहते हैं या कितनी अंदर स्पेस है, कितना सामान आ जाएगा, तो बक्कल की मजबूती भी उस हिसाब से होनी चाहिए। बेल्ट को सीधा रखते हुए जोड़ देंगे। अब ये हमारा बैक साइड का पूरा तैयार हो गया है। अब हमें फ्रंट तैयार करना है। फ्रंट में ये जो हमने पॉकेट बनाई थी, तो ये जो आप निशान देख रहे हैं और ये डिज़ाइन जो आप देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि ये प्योर टेरिकॉट में, लेकिन थोड़ा मोटे कपड़े में, ये मेरे पास एक ऑर्डर आया था ये ड्रेस पीस का, तो उसमें ये काफ़ी मजबूत कपड़ा है, काफ़ी मोटा कपड़ा था, तो उनका कहना था कि ये हमारे बैग के लिए मजबूत रहेगा और हमको इसमें का बैकपैक बना दीजिए। तो ये उस कुर्ते में से काट के ये पीस बनाया जा रहा है। तो यहाँ पर एक टिप्स ये है कि इस तरह के मोटे मजबूत जो कपड़े हैं आप उनका भी बैग आसानी से बना सकते हैं। ये देखिए फ्रंट का हिस्सा है और पूरे एक कुर्ते से सारे पीस निकाले गए हैं, फिर दूसरा कोई मैचिंग लाइनिंग दे करके क्विल्ट किया गया है, और जिस रंग का ये लाइनिंग दिया गया है उसी रंग की मैंने ये उसी कपड़े की पाइपिंग डाली है ताकि अंदर से बाहर तक खोलने पर एक कलर दिखाई दे, तो इससे सफाई भी आएगी और सुंदरता भी आएगी। तो ये जो प्लेन पट्टी है इसमें भी इसको क्विल्ट नहीं किया गया है, इसमें भी इसको लाइनिंग का कपड़ा लगा करके और इसको डबल मजबूत किया गया है। अब इसमें भी हमने यहाँ नीचे सेंटर निकाला है और इसको जोड़ने से पहले ये जो पट्टी साइड में लगी है और ये जो जिप लगी है इसको जोड़ने से पहले ये जो हमने कट किया था इस कट को हमने यहाँ रख करके और पूरा निशान चौक से निशान डाल दिया है ताकि हमको जोड़ने में आसानी हो जाए। तो अब यहाँ पर ये जो हमने निशान लगाया है कट का, इसको हम यहाँ इस तरह से बराबर रखेंगे इस तरह से, और इसका भी सेंटर यहाँ पे देंगे लेकिन कट नहीं करेंगे, ये यहाँ पे हमें चौक से निशान लगाना है इस तरह से। ये हमारा यहाँ का सेंटर आ गया, ये यहाँ का सेंटर आ गया। अब ये जो हमारा पीस है इसको इस तरह से रखेंगे और ये दोनों किनारे मिलाते हुए इसमें हम हल्का सा कट दे सकते हैं। ये हमारा सेंटर आ गया।
और इसमें हमने ये पॉकेट में सेंटर निकाला हुआ है। अब ये जो पीस है अभी इसको हम नहीं जोड़ेंगे, अब इसको हम यहाँ से जोड़ना शुरू करेंगे। ये जो हमने सेंटर निकाला है इसको अंदर इस तरह से मोड़ेंगे और इस सेंटर के निशान पर, ये हमारा सेंटर है और ये सेंटर है, दोनों सेंटर को मिलाएंगे और ये जो पट्टी है इसको अंदर इस तरह से मोड़ते हुए इस सेंटर पे यहाँ रखेंगे और सिलना शुरू करेंगे। इसको यहाँ से ही शुरू करेंगे ताकि पॉकेट जो है एकदम सही से बराबर से जुड़ जाए। इसको यहाँ रखेंगे, इसको यहाँ रखेंगे और इसको अब हम जोड़ देंगे। और जो पॉकेट पहले कटिंग करके जो हमने निशान लगाया था उस पे इसको हम बराबर से गोलाई से सिलते चले जाएंगे पट्टी को मोड़ते हुए। और जो जिप का हिस्सा है ये आगे रहेगा, पीछे कपड़े का हिस्सा रहेगा। बहुत आराम से और बहुत सफाई के साथ जोड़ना है इस तरह से। ये देखिए इस तरह से बहुत बारीकी से किनारे की लाइन सिलनी है और कपड़े को दबा देना है। इसी तरह से अब हम इधर का पीस लेंगे। सेंटर से थोड़ा पीछे से लेते हुए ताकि सेंटर का जो हिस्सा है वो दोबारा सिल जाए। ये हमारी पॉकेट इस तरह से जुड़ गई है एकदम बराबर और बहुत खूबसूरती और सफाई के साथ। इस तरह से ये देखिए आपको नज़दीक से दिखा रही हूँ, एकदम पतली सिलाई इस तरह से सफाई से देनी है। अब इसमें हम इतनी दूरी, थोड़ी सी दूरी देते हुए इस पर हम डबल मशीन चलाएंगे। एक मिनट,
ये कुछ इस तरह से यहाँ पे डबल मशीन चलानी है पूरे इसमें चारों तरफ, ये देखिए। तो इससे जो है इसकी जो चौड़ाई है अपने आप दिखने लगेगी और यहाँ पे एक सफाई भी आएगी। अब हमें जो इसका बॉटम है इसमें यहाँ पर इस तरह से प्लेट डाल के और इसके साथ यहाँ पे डबल करना है दोनों साइड में इस तरह से। ये जो 3 इंच का हमारा पीस था इसको अंदर प्लेट डाल के और यहाँ पे इस तरह से दबा देना है, इसको यहाँ पे इस तरह से दबा देना है और नीचे पूरा बॉटम जोड़ देंगे। और पॉकेट का सेंटर और बैक का सेंटर मिलाते हैं, पॉकेट के दूसरे साइड का भी 3 इंच का जो आपका कपड़ा है उसको अंदर दबा दीजिए और सिल दीजिए। ये हमारी एक पॉकेट इस तरह से पूरी तैयार हो गई है, इस तरह से पूरी पॉकेट एकदम कंप्लीट, यहाँ से ये पूरी पैक हो गई। अब हमें सारी हमारी तैयारी हो गई है, अब हमें पूरे बैग को जोड़ना है। अब इसका यहाँ सेंटर निकाला था, इसका यहाँ नीचे बॉटम पे सेंटर निकाला था, अब ये जो पीस है हमारे पास इसका भी हम सेंटर निकालेंगे। पहले हम बॉटम का सेंटर निकालेंगे, ये जो हमने सिंपल पॉकेट लगाई थी प्लेन कपड़े की और यहाँ पे जो जोड़ लगाए थे इन दोनों को पकड़ते हुए इधर से भी सेंटर निकालेंगे जो बॉटम वाला हिस्सा था और इधर से भी सेंटर निकालेंगे। ये हमने सेंटर निकाल लिया है और इसको पकड़ते हुए अब इसका सेंटर भी हम निकाल लेंगे जो पर जिप वाला हिस्सा था। ओह सॉरी भाग रहा है, इसको यहाँ पकड़ के इसका भी सेंटर हम निकाल लिया और इसका सेंटर यहाँ निकाल लेंगे। एकदम अपर साइड और एकदम बॉटम साइड दोनों तरफ का हमने ये सेंटर निकाल लिया है। अब कोई भी एक पीस हम उठाएंगे इस तरह से, मान लीजिए ये हमारा बैक वाला हिस्सा है, पहले इसको ले लेते हैं और इसको दोनों साइड दोनों जो सीधे साइड है इसको बाहर रखेंगे। ये जो बेल्ट है हमारी ये भी बाहर रहेगी और जो ये बैक साइड है ये भी बाहर रहेगा, ये पीस जो अंदर का है उल्टा वाला हिस्सा वो अंदर ही रहेगा। और इसके साथ ही अब हम पाइपिंग भी लगाना शुरू करेंगे, तो ऊपर वाले सेंटर में ऊपर वाले का सेंटर साइड वॉल का जोड़ेंगे इस तरह से। ये हमारा सेंटर है, ये हमारी जिप लगी हुई है और ये ऊपर का लूप है बैक साइड का और ये हमारा सेंटर है, तो दोनों सेंटर को अब हम मिलाएंगे और इसके साथ ही पाइपिंग भी जोड़ना शुरू करेंगे। पहले थोड़ी दूर सिलाई करके सेंटर को पार कर देंगे, सारे पीस को एक साथ चलाना है। अब यहाँ पे कपड़ा मोटा हो सकता है तो हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए सफाई के साथ चलाएं, गड़बड़ी ना करें। और ये जो कंधे की बेल्ट है इसको भी हम पार कर लेते हैं, बहुत आराम से मशीन चलानी है ताकि धागा टूटने ना पाए। बेल्ट हमारी पार हो चुकी है, अब हम पाइपिंग ले लेते हैं। इसकी जो सारी सिलाई है ये बाहर रहेगी, अंदर से इसमें कोई भी सिलाई नहीं दिखनी चाहिए। पाइपिंग जैसा मैं बताती हूँ अंदर की तरफ मोड़ लें और फुट के नीचे रखें और जोड़ना शुरू कर दें। बहुत आराम से चलानी है, बहुत पेशेंस के साथ सिलना है।
ये देखिए, ये जहाँ पे ये पॉकेट ख़त्म हो रही है वहाँ पर ये हमारा जो मेन हिस्सा है बैग का वो भी ख़त्म हो रहा है। नीचे से बक्कल बेल्ट सब हटाते चलें और कॉर्नर से कॉर्नर मिला दें, सारे पीस आराम से जुड़ जाएंगे। ये हमारा बॉटम का हिस्सा आ गया। यहाँ भी बेल्ट है, बेल्ट को सीधा रखते हुए बक्कल वगैरह हटाते हुए आप चाहें तो बक्कल खोल के हटा सकती हैं ताकि जो वजन है वो बराबर बना रहे। इस तरह से बक्कल खोल देते हैं, बक्कल जो मोटा वाला साइड है वो पीछे चला जाएगा और हल्का साइड हमको मिल जाएगा, तो हम सी सकते हैं आसानी से। ये हमारा बॉटम आ गया, बेल्ट को सीधा रख देते हैं। इस तरह से और जो बैक का सेंटर है ये दोनों देखिए, ये बॉटम का सेंटर है और ये बैक का सेंटर, दोनों को हम आपस में मिला देते हैं और उसके बाद ये जोड़ देते हैं। ये देखिए, इसको सीधा आना चाहिए बेल्ट, हर चीज का ध्यान रखना होगा जोड़ते समय। दूसरी बेल्ट आ गई हमारी, ये हमारा बॉटम का दूसरा कोना आ गया। अब इसको हम अंदर की तरफ मोड़ेंगे और परफेक्ट, और इसको भी यहाँ से रनर बीच में कर दें। रनर सब साइड में करते हुए और इसको सिलते जाना है। और आपको लगता है कि आपके कोने सही नहीं बैठेंगे तो आप उसको पिन की मदद से या पहले से कच्चा करके और सेट कर लें, उसके बाद मशीन चला लें। ये हमारी बेल्ट का हिस्सा आ गया है, जिसे बहुत सावधानी से करना होगा क्योंकि यहाँ पर मोटा हो जाता है और बैक जो सपोर्ट वाली बेल्ट लगाई है जो कंधे पे रखी जाती है उसमें जो फोम होता है वो जल्दी खिसकता नहीं है, थोड़ा प्रेशर देना पड़ता है। सारी बेल्ट लूप सीधे रखना है, नीचे बक्कल रनर सब दूर रखिए हटाते हुए और सिलते जाइए। यहाँ पर हमारी पाइपिंग का काम खत्म है और अब हम
ये हमारी कुछ पाइपिंग इस तरह से लग गई और अब इसे हमें मोड़ के सिलना है। ये भी सही है सब। अब इसकी फाइनल पहले पाइपिंग हम तैयार कर लेंगे, फिर आगे का हिस्सा कंप्लीट करेंगे। तो इसमें जहाँ से हमने ये पाइपिंग शुरू की थी, इसकी शुरुआत भी यहीं से करेंगे। ये देखिए करीब इतना अंतर 2 इंच का मैंने पाइपिंग का अंदर का हिस्सा रखा है, ताकि ये डबल होके मजबूती से जुड़ा रहे। जो बड़े बैग होते हैं उनमें जो पाइपिंग होती है बहुत कम मार्जिन पे नहीं जोड़ी जाती, क्योंकि वो वजन पड़ने पे खिसकती और फट सकती है। और ये सारी मैंने क्रॉस पट्टी की पाइपिंग काटी हुई है, इसको इस तरह से डबल करके और इस पर हम यहाँ पे मशीन चलाएंगे। बहुत सफाई के साथ मशीन चलानी है। पाइपिंग की जो चौड़ाई है वो मैंने 2 इंच ली है, ताकि मोड़ने पर आसानी हो, क्योंकि भारी और मोटा और बड़ा बैग है तो उसके जो जोड़ होते हैं ये भी, यहाँ पे जैसे मोटा जोड़ आ गया, ये भी जुड़ गया, ये भी जुड़ गया, ये भी जुड़ गया, तो 3 परत हो गई। तो पतली अगर पाइपिंग की चौड़ाई कम होगी तो वहाँ पे पाइपिंग सफाई से आपकी नहीं जुड़ पाएगी, इसलिए 2 इंच सीधे सीधे 2 इंच की पाइपिंग इसके लिए अलग से काटिए। ताकि मोड़ने में आपको कपड़ा मिल सके। और जैसा कि मैंने आपको बहुत पहले बताया था, कुछ समय पहले, कि मैं DVD भी तैयार करके मैंने रखी है, और जिन बहनों को चाहिए DVD वो मैंने अपना फ़ोन नंबर बताया था, उस पर मुझे संपर्क करें और DVD मंगा कर सीख सकती हैं या बिजनेस कर सकती हैं, जैसा भी उनको उस CD का उपयोग करना है उसका इस्तेमाल कर सकती हैं, इससे उनको फ़ायदा होगा। और मैंने ये भी बताया था कि DVD एक तो सीखने के लिए है और दूसरा उसको जब सीख लेंगी तो आप उससे अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर सकती हैं, कि हर तरह के बैग का,
और तो सबसे बड़ी बात ये डीवीडी इसलिए भी तैयार की गई है क्योंकि अभी भी बहुत से एरिया ऐसे हैं जहाँ पर प्रॉपर नेट नहीं मिल पाता है, लेकिन सीडी डीवीडी चलाने की सुविधाएं घर में होती हैं तो वो उसको बार बार चला के देख सकती हैं, तो उन्हें नेट का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। ये हमारा अब बॉटम का हिस्सा आ रहा है, इसको अंदर मोड़ देते हैं। और जो डीवीडी है जो आप लोग को चाहिए वो एक डीवीडी में 15 वीडियो मिलेंगे और एक दूसरी डीवीडी जो तैयार की गई है उसमें पूरे महीने भर के 30 वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो दो तरह की डीवीडी हैं, तो दोनों में से कोई सी भी आप मंगा सकते हैं। और ज़्यादा इसके लिए जानकारी चाहिए कि कैसे मंगाना है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके पूछ सकते हैं। यहाँ मोटा कपड़ा हो जा रहा है कॉर्नर पे, तो बहुत देखिए धागा कट गया है। बाहर से पाइपिंग देने के दो कारण हैं, एक तो सफाई और दूसरा मजबूती। ये देखिए इसमें इस तरह से पाइपिंग लग रही है, तो बैग की खूबसूरती भी बढ़ेगी और मजबूती भी। ये हमारा अभी बैक साइड तैयार हुआ है।
कुछ इस तरह से इसका बैक ये तैयार हो गया है। ये हमारी बक्कल लग गई है। इस तरह से ये बैक पूरा तैयार हो गया। इसमें ये लूप आ गया, ये हो गया और ये हमारी साइड वॉल पूरी लग गई है। अब हमें इसमें फ्रंट जोड़ना है। लेकिन फ्रंट जोड़ने से पहले मैं आपको, बहुत सारी बहनों ने पूछा है कि क्रॉस पट्टी कैसे बनती है, गोल जहाँ पर राउंड सिलाई की जाती है, तो मुझे वो भी बताना है इसी एपिसोड में। तो आपको बता देती हूँ कि क्रॉस पट्टी कैसे करती है। जो बहनें नई नई सिलाई सीख रही हैं उनके लिए बताना बहुत ज़रूरी है। तो कोई भी कपड़ा ले लें जिसकी आप क्रॉस पट्टी काटनी है, उसका एक कोना इस तरह से ऐसे रखें, बराबर से रखें। कोई भी स्क्वायर कपड़ा ले लें या रेक्टेंगुलर कपड़ा ले लें, उसका एक कोना अंदर मोड़ते हुए और इसको बीच में से कट कर दें इस तरह से। अब ये जो ट्रायंगलर में जो पट्टी जा रही है, ये तो आपका कॉर्नर वाला पीस था, तो इस तरह से काटेंगे तो ये हमारी स्ट्रेट पट्टी आएगी, इसमें कोई खिंचाव नहीं होगा। लेकिन जब हम कपड़े को बीच में से काट देते हैं, टेढ़ा काट देते हैं, तो वो बेंड करने लगता है हल्का सा, ये देखिए खिंचाव आने लगता है। जबकि इस कपड़े को करेंगे तो खिंचाव नहीं आएगा, और इसको करेंगे तो यहाँ पर हल्का सा खिंचाव आएगा। तो इसको हम जब इस तरह से काटते हैं तो ये हमारी क्रॉस पट्टी कहलाती है। अब इसको हम इस तरह से डबल रखेंगे, ये जो सारी किनारी है इसको बराबर से मिला लेंगे। ये बहुत सरल तरीका मैं बता रही हूँ आपको, और स्केल से 2 इंच पर निशान लगाएंगे इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, और इसको सफाई के साथ पकड़ेंगे। एक कट हो गया, दो कट हो गया, ये 3 कट हो गया। अब इसमें से अगर निकालना चाहें तो आप निकाल सकती हैं, लेकिन इसकी उतनी ज़रूरत नहीं है। और ये हमारी जो है, देखिए ये सारी पट्टियाँ इस तरह से, ये क्रॉस पट्टी हमारी कट गई है। अब इसको जोड़ने का तरीका भी मैं आपको बता देती हूँ। इसको जोड़ने के लिए जो ये हिस्सा हमारा जिधर जा रहा है, दूसरी पट्टी का ये हिस्सा जस्ट उसके अपोजिट रखेंगे। एक हिस्सा ऐसे आना चाहिए और दूसरा हिस्सा ऐसे आना चाहिए, ये इस तरह से यहाँ पे आपका वी बन जाना चाहिए। और इसको सीधी मशीन चला देंगे, और जब ये मशीन चलाएंगे तो यहाँ पर और यहाँ पर हल्का सा डबल सिलाई दे देंगे दोनों कोनों पे, ताकि जब हमारी पाइपिंग जुड़नी शुरू हो तो यहाँ से खुले नहीं। और इसको अब हम यहाँ पे सीधा काटेंगे, तो ये हमारी क्रॉस पट्टी तैयार हो जाएगी। इस तरह से पूरा हमें जोड़ना है। ये हमारी पूरी क्रॉस पट्टी इस तरह से तैयार हो गई है। अब हम इसका जो दूसरा पार्ट है बैक का, उसको भी जोड़ देते हैं। इसमें भी सेंटर निकले हुए हैं दोनों पीस, दोनों साइड में, और इसमें हमने पहले से सेंटर निकाल लिया था। अब इसको हम शुरू करेंगे, और कोई भी बैक शुरू होगा तो वो ऊपर से ही शुरू होगा। ये दोनों मशीन, ये जो सेंटर निकाले थे दोनों को साथ रखेंगे
और पहले सेंटर का हिस्सा जोड़ते हुए थोड़ा सा साइड में आ जाएंगे, उसके बाद इसको कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ से हम पाइपिंग लगाना शुरू करेंगे। अब इसमें उतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर इसमें कोई भी इस तरह से मोटी चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत संभाल के और आराम से सिलना है, हड़बड़ी नहीं करनी है। जिप चेन सब एक साइड कर दें जिधर सिलाई हो चुकी है। और जो ये इसकी जो सिलाई है इसमें अच्छा खासा आपको मार्जिन दे करके अंदर करके सिलना होगा, ताकि बहुत किनारे अगर सिलाई हो गई तो सामान रख करके उठाने पर ये उधर सकता है या खुल सकता है, वहाँ से कमज़ोर हो सकता है। तो थोड़ी इसमें जो है सिलाई का दबाव होना चाहिए, मार्जिन होना चाहिए अंदर की तरफ, इसीलिए 2 इंच की पाइपिंग ली गई है ताकि वो उस जो जोड़ा गया पार्ट है उसको कवर कर सके। बॉटम का हिस्सा यहाँ पर नीचे पॉकेट थी, वो कट गया। जहाँ पर हम बॉटम में नीचे आए हैं वहाँ पर पॉकेट लगी हुई है, तो यहाँ पर भी 3 पड़ते हुए हैं और यहाँ पर भी हमको बहुत आराम से मशीन चलानी है। भी हो गया, अब आखिरी साइड है ये हमारी। जहाँ पर गोलाई आती है वहाँ पर चाप उठा करके तब मोड़ें, तो
स्टिचिंग वगैरह सब सही आ जाती है। पाइपिंग थोड़ा सा बढ़ा के लेंगे और लास्ट में इसको काट देंगे। अब इसको पहले खड़ा करके चेक करते हैं, अगर ये खड़ा हो गया तो समझिए कि हमारा पूरा पैक कंप्लीट है। ये देखिए एकदम खड़ा हो गया, तो इसके सारे कोने बैठ चुके हैं, इसका मतलब ये खड़ा है, कहीं से भाग नहीं रहा है, कहीं से टेढ़ा नहीं है, कहीं से कोई और रेट नहीं है, तो ये एकदम सही जुड़ गया है। अब इसमें हमें जो इसकी पाइपिंग है इसको फाइनल करनी है, तो इसको अब हम फाइनल करते हैं। जो धागे हैं थोड़ा सा उनकी सफाई कर दी जाए, जिससे कि सिलते समय ये परेशान ना करें। तो जहाँ से ये पाइपिंग हमने लगानी शुरू की थी वहाँ से देखिए, यहाँ पर भी मैंने करीब 2 इंच का मार्जिन दिया है, पाइपिंग में एक दूसरे के ऊपर चढ़ा दिया है। अब इसको हम यहाँ पे ऐसे पलटेंगे और इसको कवर कर देंगे। नीचे बकल वगैरह हैं, इसको हटाते हुए ध्यान से सिलना है। अब बैग हमारा और वजन हो चुका है तो ये भागेगा, तो बैग को भी संभालना है और पाइपिंग को भी सफाई से लगाना है। इस तरह के बैग आप या तो जो टेरिकॉट के मोटे कपड़े होते हैं उनका बनाएं, अच्छा बनेगा, या केसमेंट के कपड़े या टेपेस्ट्री के कपड़े या जीन्स, और कॉटन में कम बनाएं तो ज़्यादा सही है, क्योंकि इतने बड़े बैग को इतनी मेहनत से बनाना, तो कॉटन प्रिंट कोई लेंगी तो अगर मान लीजिए बाई चांस आपने एक दो बार धो दिया उसको और या दाग लग गया उसमें धोने पर, धोने के बाद तो जो दाग छुड़ाया जाएगा वो प्लस कपड़े का प्रिंट वो भी सब हल्का पड़ जाएगा और प्रिंट भी हल्का पड़ जाएगा, और जहाँ पे रगड़ के छुड़ाया जाएगा वहाँ पे एक अजीब सी कपड़े की
जो के जो रेशे होते हैं वो दूर हो जाएंगे तो वो ख़राब लगेगा। इससे अच्छा है कि आप मोटे टेरिकॉट के कपड़े या जीन्स वगैरह में, जिन जिन कपड़ों पे किसी चीज़ का कोई असर नहीं होता, टेरिकॉट पे अगर कोई मान लीजिए कुछ दाग धब्बा लग जाता है तो धोने पे साफ़ हो जाता है, और जीन्स के कपड़े हैं तो वो घिसे हुए पहले से ही सुंदर दिखते हैं। तो कुछ इस टाइप के कपड़े जो रफ़ एंड टफ हो उसके बैग बनाएँ तो बहुत खूबसूरत ये बैग बनते हैं। और ये जो केवल जीन्स से ही नहीं, जो पहले समय में चौड़े मोहरी की जो पैंट वगैरह चलती थी जिनको आजकल हम ट्राउज़र के नाम से भी जानते हैं, तो उसके भी जो पुरानी पैंटें हैं उनके भी ये बैग बहुत अच्छे बनते हैं। उनमें आप कोई प्रिंटेड टेरिकॉट का कपड़ा लगा करके मिक्स मैच करके भी बना सकते हैं। और प्लेन कपड़ा है अगर तो उसमें आप चेक कपड़े की कोई पाइपिंग लगाएं, अच्छा लगेगा। अब जैसे ये शेडेड था कुर्ता तो इन दोनों के बीच में ये कलर मैच कर रहा था, इसलिए मैंने इस कलर का यहाँ पे इस्तेमाल किया है। यहाँ पर पॉकेट आ गई है और थोड़ा मोटा सा हो रहा है कपड़ा, इसीलिए मैं इसको थोड़ा आराम से बना रही हूँ। आज का वीडियो हमारा थोड़ा लंबा हो गया है और इसकी तैयारी में ही मैंने पूरा एक दिन लगा दिया था, तो वीडियो तो थोड़ा लंबा होना ही था। तो आप लोग इसको थोड़ा पेशेंस से देखें, सीखें, समझें और बनाएं, क्योंकि आजकल हैंडबैग हैंड पर्स से ज़्यादा इसकी डिमांड बहुत हो रही है और ये बहुत उपयोगी चीज़ है। सफ़र में भी काम आती है, बच्चों के कोचिंग क्लासेस के भी काम आती है, आप मार्केट जाएंगे तो भी काम आएगा। तो ये सबके लिए भी बनाया जा सकता है, किसी भी काम के लिए, किसी भी पर्पज़ के लिए, क्योंकि इसको इसमें सामान अगर आ जाता है तो इसको पीठ पे ले लेते हैं और दोनों हाथ हमारे खाली रहते हैं, तो हम बाकी काम भी कर सकते हैं, सफ़र भी आराम से कर सकते हैं और हाथ दुखते भी नहीं हैं और सारा वजन कंधों पर रहता है। तो जो भी काम करने निकले हैं, सफ़र करने, बाज़ार करने, पढ़ाई करने, तो थोड़ा सा आसान हो जाता है। ये तो मैंने अभी सिंगल पॉकेट में आपको बैकपैक का वीडियो दे रही हूँ, इसके बाद मैं कभी फिर एक मौका लगेगा, समय निकालूंगी तो कम से कम दो पॉकेट का बताऊंगी। इस पॉकेट की इसमें कोई गिनती नहीं होती, ये बैकपैक में किसी भी बैग में एक छोटा पॉकेट तो दिया ही जाता है, लेकिन अभी तो ये मैंने सिंगल पॉकेट का बताया है आपको। अब मैं इसके बाद जब भी वीडियो बनाऊंगी इसके लिए तो वो डबल पॉकेट का होगा। अभी तो हम पहले पाइपिंग जोड़ लें, कॉर्नर पे मोटा हो गया है, तो यहाँ पाइपिंग मोड़ना है। बस ये आखिरी लाइन है, मुझसे बहुत से लोगों ने कहा कि वीडियो आपका बहुत लंबा हो जाता है, तो मेरे सारे वीडियो लंबे नहीं होते हैं और मैं कोई भी चीज़ अगर सिखाती हूँ तो पूरे दिल से सिखाती हूँ और एक एक चीज़ बताती हूँ ताकि आपको पूरी तरह से समझ में आए, ताकि मेरा जो सिखाने का उद्देश्य है वो कंप्लीट रहे। और मैं कोई चीज़ एडिट नहीं कर सकती और ना ही मैं शॉर्टकट में विश्वास रखती हूँ, तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा पेशेंस के साथ देखिए, सुनिए और
सीखिए, तभी आप कुछ सीख पाएंगे। अगर आप किसी भी चीज़ में जल्दबाजी करेंगे तो नुकसान आपका ही होगा। मेरा उद्देश्य यही है कि मैं हर चीज़ बहुत डीपली सिखाऊं, समझाऊं। और मेरा सिखाया आप लोग के काम आ जाए, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये हमारा अंतिम छोर आ गया है और ये बैग हमारा कंप्लीट हो गया है। ये हमारा बैग कंप्लीट हो गया है। तो ये देखिए, इस तरह से ये काफी बड़ा बैग बन गया है। मैं आपको दिखाती हूँ। सॉरी, ये देखिए, इस तरह से ये बैग कंप्लीट हो गया है। ये इसका बैक का हिस्सा आ गया और ये इसका फ्रंट का हिस्सा आ गया। और ये जो हमने ऊपर जिप लगाई थी, अब बाहर से पाइपिंग लगाने की वजह से ये अंदर पूरी इसकी सफाई के साथ सारे जोड़ छुप गए हैं, कोई भी जोड़ नहीं दिखाई दे रहा है। और ये पूरा काफ़ी गहरा बैग तैयार हो गया है। तो ये था आज का हमारा बैकपैक, बिग साइज बैकपैक। तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नंदिनी फिर कुछ नया लेके मिलेगी। नमस्कार।